damn it! स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ। जब देखो इसका फोन स्विच ऑफ है, समझ में नहीं आता है अभिजीत जाके बैठा कहाँ है। दया सर कभी फोन बंद आ रहा है सर, और हैरानी की बात यह है कि इनका फोन सुबह से बंद आ रहा है। सर दया सर और अभिजीत सर ने कभी भी अपना फोन बंद नहीं किया। बहुत टेंशन हो रही है सर, कहीं कुछ नहीं हुआ उन दोनों को? कभी कुछ होता है उनको? अरे अगर वैसे कोई बात होती तो मैसेज भेज सकते थे, मगर नहीं। देखो जैसे जैसे टाइम जा रहा है मेरा दिमाग खराब होती जा रहा है। सर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जिसके चलते उनका फोन नहीं लग रहा है। ये भी तो हो सकता है कि वो फोन करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी कारण से फोन नहीं कर पा रहे। सर आइए। सर ये ब्यूरो के बाहर रखा हुआ था, किसी ने रिसेप्शन पे बिना नाम बताए फोन किया और इस कॉफिन के बारे में बताया। सर ब्यूरो में कॉफिन? फिर से सर्च खोलो इसे। नहीं नहीं नहीं, एक्सप्लोजिव डिवाइस लेकर चेक करो पहले, दोबारा रिस्क नहीं लेनी। ये देखो गोली बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। ये क्या है? मुझे दया और अभिजीत ने मारा है। सर ये कैसे हो सकता है? हाँ सर ये बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता। मजाक किया होगा किसी ने, अभिजीत सर और दया सर किसी का खून नहीं कर सकते। पता लगाओ कौन है ये आदमी। और एक बात, अभिजीत और दया का फोन सर्वेलेंस में डाल दो, ट्रैक करो, देखो उनके फोन का आखिरी लोकेशन क्या था। क्या दिन आ गए, सीआईडी वाले होकर भी चोरी करनी पड़ रही है, पकड़े गए तो सारी जिंदगी चोर का ठप्पा लग जाएगा। अपने अंगूठे से स्टार्ट बटन को दबाएं। वोट की सुरक्षा के लिए ये कमांड 5 बार दोहराया जाएगा। पहचान गलत निकलने पर इसकी सिक्योरिटी अलार्म बजनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले कि सिक्योरिटी अलार्म बजे बॉक्स से लेकर निकलना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अपनी पहचान के लिए कृपया अपने अंगूठे से स्टार्ट बटन को दबाएं। वोट की सुरक्षा के लिए ये कमांड 5 बार दोहराया जाएगा। पहचान गलत निकलने पर इसकी सिक्योरिटी अलार्म बजनी शुरू हो जाएगी। टाइम नहीं है, गैस कटर से काट देते हैं। ठीक है। तरफ से लोग आ रहे हैं, दीवार तोड़ के निकल जाते हैं।
सर, अभिजीत सर और दया सर के फोन की लोकेशन एक साथ ही पता है। कहाँ पर है? जल्दी बताओ। दोनों इस वक्त कोरल स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें, हम दोनों ने चोरी की है। इस समय हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। रुक जाओ अभिजीत, दया, तुम लोगों ने सिर्फ चोरी नहीं खून भी किया है। खून? हाँ खून। तुम दोनों को चोरी और खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। सर अभी आप हमें जाने दीजिए, हम आपको सब बाद में बता देंगे। कहीं नहीं जाओगे तुम। नहीं सर, हमें जाना ही होगा। आप जो ठीक समझे आप कीजिए सर। रुक जाओ दया। सॉरी सर। इसने गोली चलाई। सचिन रेडी, देखो जरा। अभिजीत, दया। पेगी, क्या हुआ? कौन है वहां पे? अरे अरे कौन है आप लोग इस तरह से मेरे घर में क्यों आ रहे हैं? ये क्या जबरदस्ती है? देखिए डॉक्टर साहब, हम लोग सीआईडी से हैं और एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। प्लीज, इन्हें गोली लगी है, हमारी मदद कीजिए। राहुल, राहुल क्या हुआ? हाँ कौन? कौन है ये लोग? सीआईडी ऑफिसर। सीआईडी? लेकिन होलिया से तो आप लोग चोर नजर आ रहे हैं। राहुल ये गुंडे नहीं हो सकते, तुम प्लीज पुलिस को फोन करो। एक मिनट, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे बात करिए जैसे हम आप पे हमला करने वाले हैं। आपको दिख नहीं रहा एक आदमी घायल है? देखिए हमारा विश्वास कीजिए, हम लोग सीआईडी से, हम लोग एक मिशन पे निकले हुए हैं, इसलिए हम आपको कुछ बता नहीं सकते। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। मैं अभी करती हूँ आपकी मदद। मैं पुलिस को अभी कॉल करती हूँ। सुनिए, ठहरो दीपा, ये सच कह रहे हैं, ये सीआईडी वाले हैं। इनके बैचेस देखो। राहुल, राहुल प्लीज बात को समझो। एक बड़ी खबर, अभी सूत्रों से पता चला है कि सीआईडी टीम के दो सबसे जाबाज ऑफिसर्स अभिजीत और दया खुद कानून के गुनेगार बने हुए हैं। दोनों पर शहर के बीचों बीच स्थित एक बंगलों में घुसकर चोरी करने का संगीन आरोप लगाया गया है। कल तक जिस सीआईडी के ये दोनों ऑफिसर्स एक अहम हिस्सा हुआ करते थे, आज वही सीआईडी टीम जगह जगह छापे मार के इन दोनों को तलाश रही है। पूरा देश इस खबर से हक्का बक्का है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये खबर एक कोरी अफवाह है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो तभी पता चलेगा जब इन दोनों ऑफिसर्स को पकड़ा जाएगा। तब तक देखते रहिए जबरदस्त खबरें। ललन जल्दी से मेडिकल किट लेके आओ। जी साहब, अभी लाया। राहुल क्यों कर रहे हो तुम? मैं देखता हूँ। अच्छा हुआ आप लोग मेरे घर आए, दरअसल मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने निकाल दिए, अब खतरे की कोई बात नहीं। मैं एक पेन किलर दे देता हूँ, आप लोग आराम कीजिए, मैं आप दोनों के लिए कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। अभी डॉक्टर। सर 24 घंटों में से 5 घंटे तो हो गए और पूरे शहर में दया और अभिजीत सर की तलाश जारी है। सर हर कंसर्न डिपार्टमेंट को खबर कर दी, लेकिन अब तक कुछ नहीं पता चला। उस घर के मालिक का पता चला जहां से चोरी हुई? नहीं सर, बंगलों का मालिक और बंगले का रजिस्ट्रेशन दोनों ही नकली है सर। या तो सर बंगला बेनामी है या फिर किसी ने उसके मालिक के ना होने का गलत फायदा उठाया। सर सर पता नहीं दया सर और अभिजीत सर किस मुसीबत में फंसे होंगे। अरे मुसीबत में थे तो बोलना चाहिए था ना, मुंह खोलना चाहिए।
मुसीबत में है। उन पर ना सिर्फ एक आदमी के खून का इल्जाम है बल्कि कीमती चीज चुराने का भी इल्जाम। सर मेरा दिल कहता है सर दोनों गलत हो ही नहीं सकते। गलत नहीं तो फिर भागे क्यों? हाँ क्यों भागे हो बताओ। और फिर किसी भी चित्र को मैं क्या जवाब दूंगा? सर जो आदमी मरा था मोबाइल कंपनी से उसके मोबाइल की डिटेल मिल गई। अभी कुमार बिहानी चौक पता लगाना पड़ेगा क्या संबंध था इस अविक कुमार का दया और अभिजीत के साथ। इस राहुल कुछ समझते तो है नहीं। होंगे वो लोग सीआईडी वाले लेकिन है तो भागे हुए ना और वो भी चोरी करके। और अगर इन दोनों ने हमें मार डाला तो देख आई हैव टू इन्फॉर्म ब्यूरो। हेलो सीआईडी ब्यूरो। हेलो हाय सर मैं जो वर्सोवा लिंक रोड से मोहिनी कॉलोनी से बात कर रही हूँ। सर मेरा नाम दीपिका है। ऑफिसर दया और अभिजीत जो चोरी करके भागे थे वो इस वक्त मेरे घर में छुपे हुए हैं। ओह अच्छा अच्छा आपने तो बहुत बहादुरी का काम किया है कि आपने हमें फोन करके बता दिया। इनफैक्ट हमें इन दोनों की तलाश थी। बहुत डेंजरस लोग हैं ये। इन्होंने अब तक कुछ किया तो नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सर। प्लीज आप लोग जल्दी आ जाइए मुझे बहुत डर लग रहा है सर। प्लीज कम फास्ट। आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए हम अभी आते हैं वहाँ पर। आप अपना एड्रेस बताइए। मोहिनी कॉलोनी जुहू वर्सोवा लिंक रोड बंगलो नंबर 503। ठीक है आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए हम अभी आते हैं लेकिन जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाते आप उन्हें जरा उलझाए रखिए। ओके जी सर। ओके बेचारी उसे क्या पता कि अभिजीत और दया को एसीबी प्रद्युम्न नहीं हम लेने आए। कमाल का आइडिया था ना इस जामर का। सीआईडी ब्यूरो के बाहर लगा दिया और एक भी कॉल उन तक नहीं पहुंचा। सारे कॉल्स हमारे पास डायरेक्ट हो गए। मेरा बॉस चुराया ना उन लोगों ने। मेरी बेशकीमती चीज चुराई। धनराज के माल पे हाथ साफ करने वाले इतनी आसानी से नहीं बचेंगे। सर मैंने उन दोनों को बॉक्स चुरा के भागते हुए देखा था। मैंने उन पे गोली भी चलाई थी। अगर मेरा माल मुझे वापस नहीं मिला ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं समझे। बस टेंशन नहीं लेने का अपन दोनों को पकड़ लेंगे। पकड़ लेना भाई अपन माल वापस ले लेंगे। गाड़ी निकाल। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। अरे ये तो मेरा फर्ज था। थैंक्स अ लॉट। आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हे आप लोग कहाँ जा रहे? चाय नाश्ता करके जाइएगा। लल्लर दाल में कुछ खा ले। पहले भगा रही थी अभी रोक रही है। जी मैम साहब। साहब लोगों के लिए कुछ नाश्ते के लिए लेके आओ। ठीक है मैम साहब। आप लोग अभी तक खड़े अब लाइए बैग मुझे दे दीजिए। रहने दीजिए मैडम। सीआईडी से हम लोग बिना कारण के तो हवा भी रुख नहीं बदलती। आपका मूड कैसे बदल गया है? वो क्या किया आपने? क्या किया है? मैंने सीआईडी ब्यूरो में कॉल कर दिया। वो लोग आते ही होंगे। बात है ना आपसे किसी को फोन नहीं करना। ये सब क्या हो गया? ये लोग तो मर गए। गोलियों से भून दिया गया इन्हें। जल्दी निकलो यहाँ से क्योंकि आसपास लोग भी रहते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो बिना मतलब इनके खून का इंजाम हमारे सर पर आ जाएगा। बहुत दूर नहीं गए होंगे वो लोग। चलो ढूंढते उन्हें। आओ सचिन
अभिजीत के घर पे तो कुछ नहीं मिला। हो सकता है दोनों भी दया के घर में आए होंगे, कहीं तो भाग कर गए होंगे। अभिजीत को गोली भी लगी है। सर मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, दया और अभिजीत सर ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते। चुप रहो फ्रेडी, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे आंखों के सामने हुआ, समझे? गलत काम नहीं कर सकते। अगर सही काम किया तो फिर सामने आकर बताते क्यों नहीं? मुंह छुपा कर भागे क्यों जा रहे हैं? एक तो 24 घंटों में से 7 घंटे खत्म हो चुके हैं। सर घर तो बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है, और जैसी इन लोगों की हालत है ऐसा लगता नहीं कि अभिजीत सर या दया सर आए होंगे यहाँ पे। सर अगर हमें यहाँ कुछ मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, कम से कम पता तो चलेगा वो लोग ऐसा कर क्यों रहे। तो सब ठीक है, घर को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या, पहले जाओ। सर ये देखो है कौन ये लोग, और फिर इस हालत में ये फोटोग्राफ्स दया के पास कहां से? सर इनके बारे में तो अभिजीत सर और दया सर ने पहले कुछ बताया नहीं। सर हो सकता है इन लोगों की जान को खतरा हो। जो भी हो पूर्वी, लेकिन इन लोगों की वजह से ही दया और अभिजीत हमसे आंख में चोली खेल रहे हैं, दूर भागे जा रहे हैं हमसे। पता लगाना पड़ेगा ये लोग हैं कौन और कहां पर है। दीपिका जी ये लोग सीआईडी से नहीं थे, आपने पक्का सीआईडी ब्यूरो में ही कॉल किया था? I'm sorry, officer. और इस वक्त सिर्फ इतना जान लीजिए कि बहुत सारी लोगों की जान खतरे में है। उसका फोन आने वाला था बॉक्स पहुंचाने के लिए, अभी तक फोन आया नहीं। ये सारे फोटोग्राफ स्कैन करो और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज हैं सब में भेज दो। 9 घंटे तो हो चुके हैं, अभिजीत और दया तो और भी फंसे होंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है इन लोगों की वजह से ही हो रहा है, इनके लिए ही अभिजीत और दया ने चोरी की, अभिजीत ने गोली खाई। हेलो, हाँ क्या मैं निरंजन जी की पत्नी से बात कर सकती हूँ? क्या आप मिसेस प्रतिभा के घर से बोल रहे? क्या वापस नहीं आए? निर्वाण बैंक, बैंक मैनेजर है। सुबह 9 बजे? सर ये सारे लोग मुंबई के टाउन एरिया में रहते, और सर सारे लोग निर्वाण बैंक के कोलाबा ब्रांच में काम करते हैं। क्या? और सबके सब गायब हो गए? हाँ सर, सर इनके रिश्तेदारों का कहना है कि ये सारे लोग बैंक के कॉन्ट्रैक्ट बस में ऑफिस जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बस में? हाँ सर, और सभी 8 से 9:30 बजे के बीच बस पकड़ते थे। माय गॉड, तो क्या ये सारे के सारे लोग बस के साथ गायब हो गए? सचिन काम करो, निर्वाण बैंक के मैनेजर को फोन करो, बुला लो उसे जल्दी। सर हाँ, कहाँ गायब हुए होंगे? फोटो को देख के तो लगता है कि किसी जंगल में घुस गए ये लोग। ये देखो बस भी खड़ी है इनकी, उसके सामने फोटो खींचा गया है।
इधर उन लोगों की वजह से ही दया और अभिजीत से चोरी करवाई गई है और इस अविक का खून का इल्जाम भी उन पर डाला गया है। सर, हाँ, ये बैंक मैनेजर और उसके साथ एक ऑफिसर ब्यूरो पहुंच रहे हैं सर। ठीक है सर, हम निर्वाण बैंक से, कुछ पता चला हमारे एम्प्लॉयज का? अब चिंता हो रही है आप लोगों को? 9 घंटे बीत चुके हैं, रब पूछने को आया था। सर, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारे एम्प्लॉयज के साथ ऐसा कुछ हुआ है। 21वें स्टॉप के बाद से ही बस अचानक कहीं गायब हो गई। जब बस बैंक नहीं पहुंची तो हमें चिंता होने लगी। हमने उन लोगों को कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई। सर, हमें लगा कि शायद उन्हीं में से किसी का फोन आएगा। वाह रे वाह, आपके 15 स्टाफ मेंबर्स 9 घंटे हो चुके पहुंचे नहीं और आप उनके फोन का इंतजार कर रहे थे। वाह, कहां ये 21वां स्टॉप? सर, आंगनवाड़ी और चोकरी रोड के बीच में है सर। सचिन, पता लगाओ इस 21वीं स्टॉप के बाद में ये बस कहां कहां से गुजरी है। जब तक फोन नहीं आता तब तक देखते हैं बॉक्स में है क्या। पर इस पे तो कोड लॉक है, बिना कोड के खुलेगा नहीं है। यार, जिन जिन नंबर पे कोड होगा उसको तो उसने टच किया होगा तो फिंगरप्रिंट्स तो मिल जाएंगे। बैटरी लग गई। 4 नंबर तो दिख रहे हैं पर कॉम्बिनेशन क्या है कैसे पता चलेगा? कॉम्बिनेशन टेस्ट करना पड़ेगा। ट्राई मारते हैं कॉम्बिनेशन पे। क्या नंबर लगा रखा है इसने? क्या बात है। खाली? तो कुछ भी नहीं। खाली बॉक्स के चक्कर में 15 लोगों को किडनैप किया उसने। अब ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। शायद उसी का है। वीडियो कॉल। हेलो, क्या बात है, फिल्म के हीरो लग रहे हैं सीआईडी वाले। देखो तो हम भी कम थोड़े हैं। अरे दी वालों, मुझे पहचानो, कहां से आया मैं खजूरा? ये बस को अगवा किया है, अब इसमें बैठे हुए यात्री गणों के दर्शन कर लो। बुरी तरह डरे हो, देख लिया कि मैं क्या कह रहा हूं? मतलब आ रहा है समझ में? आ रहा है? देखना चाहते हो मैं क्या कर सकता हूं? अब जल्दी से बताओ कि चोरी की है या नहीं। Where is the box? Box किधर है? Box मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन एक भी पैसेंजर को कुछ हुआ ना? धमकी? 15 लोग हैं विलन के कब्जे में, फिर भी हीरोपंती से बाज नहीं आ रहे हो? क्लाइमेक्स अभी देखना चाहते हो? ये बस जहां जा रही है तो कुछ भी कर लो, पता नहीं लगा पाओगे, डूबते रह जाओगे। इसीलिए अपना दिमाग यहां लगाने के बजाय जो कहा जा रहा है वो करो, वरना मैं क्या कर सकता हूं देखना चाहोगे? जा, 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 जा। देख लिया है? या और दिखाऊं 3-4 लोगों की लाशें और गिराऊं तब समझोगे? देखो किसी को कुछ मत करना, हम लोग तुम्हारा बॉक्स लेके आते हैं। बताओ कहां पे आना है? 1 घंटे के अंदर इमली वाली घाटी के पीछे। एक बार ये खजूरा हाथ लग गया ना, जिंदगी भर पछताएगा सीआईडी से पंगा क्यों लिया। अभिजीत, मैंने अपने घर पे जो लिफाफा रखा था इसी हिसाब के लिए, वो तो अभी तक उन्हें मिल गया होगा।
फिर तो हमारी असलियत के बारे में पता चल गया होगा। चलो निकलते हैं, अब भी 14 जिंदगियां खतरे में। सर, अब तक तो इस घने जंगल की हजारों तस्वीरें देख चुके हैं, लेकिन बस तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसा भी हो सकता है कि बस जंगल में हुई ना? ऐसा हो ही नहीं सकता फ्रेडी। जंगल के अंदर 6 एग्जिट पॉइंट्स हैं और सारे एग्जिट पॉइंट्स पर हमने पहरा लगा के रखा है। एक मिनट, ये देखा, कहीं से तू धुआं आ रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो और देखो कौन सा इलाका है। से जो फोटो मिला था ना, वो इसी जंगल का, इसी इलाके का है। हाँ सर, वो धुआं भी यही कहीं से आ रहा था। लगता है सर वो आग पे किडनैपर्स ने लगाई है। देखते हैं, चल जाओ। सर इस तरफ आ जाइए। ये क्या, बस के अंदर के लोग कहाँ गए? कोई भी नहीं। हाँ सर, सबके सब अचानक कहाँ गायब हो गए? वही तो। मर चुका। एक मिनट, वहां कौन बैठा है? जाओ जाओ जरा देखो। चलो ये तो डमी। सर हमें चकमा देके भाग गए। पता चल गया था उनको कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो सभी बंदूकों को लेकर खिसक गए। पर देखते हैं कहां तक और कब तक भागेंगे ये लोग, देखेंगे। किसी ने मुझसे ज्यादा चालाक आदमी देखा है क्या? देखा है क्या? नहीं देखा ना? देखोगे भी नहीं। निकाल लाया ना तुम सबको सीआईडी की नाक के नीचे से। तालियां बजा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मार दो इसको। अभी हम लोग को मारने का ऑर्डर नहीं आया। इसका मतलब ये कि उनके ऊपर भी कोई और है जो इनसे ये सब काम कर पा। अरे उस आदमी को इसलिए मारा था ताकि दया और अभिजीत को हम बता सके कि हम लोग ऐसे नहीं है, खतरनाक लोग हैं। बॉस ने तो बल्कि बताया ही नहीं करना के आगे।
तू एक काम कर, इसको पकड़, मैं दया और अभिजीत से मिल के आता हूँ। ध्यान रख इन सबका। उसने एक घंटा कहा था हमसे, तब से हम ये बॉक्स लेकर उसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। मन तो करता है कि उसे उसे देखते गोली मार दो। उसकी शक्ल देखी थी ना तुमने, कैसे नमूना जैसे दिखता था। जब तक उन बस वालों को नहीं देख लेते तब तक कुछ कर नहीं सकते यार। वो इन लोग किडनैपर्स की फोटो है ना अपने पास, किसी भी साहब के पास भेज दो, पता तो चले कौन लोग हैं, डिटेल्स निकालने वो लोग। दुखराए क्या? नहीं नहीं, उस डॉक्टर ने ऐसी तगड़ी पेन किलर खिलाई है ना, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या बात, वाह, सीआईडी वाले वक्त से पहले हैं? बंदर कहाँ है? जहां रखा है सुरक्षित रखा है, ला। नहीं नहीं, पहले बंदकों को दिखाओ उसके बाद बॉक्स मिलेगा। मंजूर है, तलाशी ले लो जरा। सीआईडी वाले हो, निहत्था तो करना ही पड़ेगा। ये चलो। अभिजीत और दया ने कांटेक्ट तो किया, इन तीन बस हाईजैकर्स के फोटोग्राफ तो भेज दिए। सर हाँ, अगर दया और अभिजीत सर की जान को खतरा है तो फिर उन 15 लोगों की जान को भी खतरा है सर। सर हाँ सर, हमारे डेटाबेस में इन किडनैपर्स की डिटेल्स मिल गई। क्या सर? बहुत ही चौंकाने वाली है सर। इनके प्रोफाइल से पता चला है कि इनमें से जो खजुरा है ये अमरोली के जेल में जेब काटने के मामूली अपराध में बंद था, और ये बकराला ये किसी दूसरे प्रदेश में 500 रुपए की अफीम खरीदने के इल्जाम में पकड़ा गया था। कमाल है सर, ये क्रिमिनल्स छोटी छोटी चोरियां करके सीधे बस हाईजैक और सीआईडी के गले तक पहुंच गए। और ये लड़की? सर लड़की का नाम शीबा है। सर ये भी एक मामूली अपराधी है, इसने किडनैपिंग की कोशिश की थी पर डर के मारे खुद ही पुलिस के पास जाके रोने लगी। है ना बड़ी अजीब बात, तीन तीन लोग, तीन तीन लोग देश के अलग अलग कोने से आते हैं, तीन तीन लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, तीन तीन लोग जिन्होंने आज तक एक मक्की तक नहीं मारी, तीन तीन लोग, एक जेब कतरा, एक 500 रुपए का अफीम खरीदने वाला और एक लड़की जो एक मामूली सी मुजरिम, तीनों के तीनों मुंबई में आते एक बस को हाईजैक करते हैं और तो दया और अभिजीत को उसमें उलझा भी देते हैं। है ना बड़ी अजीब बात, गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर आपके कहने का मतलब है कि ये जो बस हाईजैकिंग है वो वाकई में बस हाईजैकिंग नहीं, मामला कुछ और ही है, ये ड्रामा है सर। ड्रामा है सचिन, ड्रामा है, और इस सारे ड्रामे के पीछे कोई एक है जिसके इरादे भी उतने ही खतरनाक है, इसीलिए तो उन्होंने बस हाईजैक किया और फिर दया और अभिजीत को उलझा दिया। पहले बस में जाके खुद देखता हूं मैं, अगर एक भी लाश मिली या कुछ भी अंदर गड़बड़ हुआ ना तो ये डील कैंसिल। अरे क्या, कोई चालाकी नहीं है? तो चालाकी गया, सबकी लाशें बिछा दूंगा मैं। नहीं यार, वो पैर फिसल गया था। चल इन्हें जो चाहिए दे दो, अब मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मुझे घर जाना है, मेरे बच्चों का रो रो के बुरा हाल हो गया होगा। ए, ये तुम नहीं, ये भी नहीं, मैं डिसाइड करूंगा कि तुम जिंदा रहोगी या नहीं।
चल नीचे। क्या बहुत शाने बन रहे थे हैं? क्यों क्या ये सब है? और क्या था उस बॉक्स में? सर मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि वो बॉक्स में क्या था। किसी ने हमको कॉल किया था ऊपर से कि वो बॉक्स ले आओ। किसने कहा था? वो मेरे को मालूम नहीं है, कोई तो बहुत बड़ा उचक्का है, अविक, अविक नाम का। चलो दे हैं? अबे फोन दे। फोन दे। हेलो सर, हाँ ये केस सॉल्व हो गया सर। हाईजैक इस पकड़े गए हैं, एक आदमी मारा गया है, बाकी सब सुरक्षित हैं। सर ये सब अविक ने करवाया है। अविक ने? लेकिन वो तो मर चुका और उसके खून का इल्जाम तुम्हारे और अभिजीत के सिर के ऊपर है। क्या अविक का खून हो गया? मतलब ये सब अविक नहीं तो इसके पीछे भी कोई आ रहा है? कौन वो आदमी ये सब जो करवा रहा है? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। दया और अभिजीत मेरे बॉस लेकर भाग गए। सर अगर एसीपी साहब ने दया और अभिजीत को पकड़ लिया है तो हम इन दोनों से बॉक्स के बारे में पूछ सकते हैं। अगर मैंने कोई चीज इतनी संभाल के अंदर रखी हुई है इसका मतलब क्या हुआ कि कानूनन वो चीज मैं अपने पास नहीं रख सकता। अब क्या मैं खुद सीआईडी के पास जाऊं और अपने आप को गिरफ्तार करवा लूं? सीआईडी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। लो हम लोग ही आ गए तुम्हारे पास। क्या था उस बॉक्स में धनराज जी? पहले ही बहुत एक्शन हो चुका है और उसके ऊपर गन निकाल रहे हो। मुद्दे पे आओ। ये अविक कैसे जानते थे? अविक? अविक को क्यों मारा? इससे क्या संबंध था अविक का? अरे सर मैं किसी अविक अविक को नहीं जानता सर। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अभिजीत और दया ने मेरे दोनों बॉक्स चुराए। दूसरा तो खोल के देखा होगा ना आप लोगों ने, दूसरा बॉक्स है? अरे लेकिन हमने तो एक ही बॉक्स उठाया था यहां से। झूठ सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। आप आइए मेरे साथ आइए, मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये पहला वॉल्ट जहां पहला बॉक्स था और ये दूसरा वॉल्ट जिसमें दूसरा बॉक्स था, दोनों गायब। अरे देखो ये अंदर वाले बॉक्स के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, हमने सिर्फ सामने से बॉक्स उठाया था, समझे? अरे वो तो मैंने चोरों को झांसा देने के लिए रखा था सर। अब असली बॉक्स तो उसके अंदर था एंड आई एम श्योर इन्होंने ही लिया। क्या था उस बॉक्स में? सर मेरे आदमियों ने अपनी आंखों से इन्हें बॉक्स चुरा के यहां से भागते हुए देखा है, इन पर गोली भी चलाई। क्या था उस बॉक्स में? सर वो उसमें 100 साल पुराना बेशकीमती नक्शा था किसी सीक्रेट जगह का। इतने सालों से मैंने उसे संभाल के रखा था। इसका फुटेज तो होगा ना, सीसीटीवी का फुटेज होगा या नहीं? दिखाओ। सर ये देखिए क्या कहा था मैंने, बॉक्स इन दोनों ने चुराए। ये कौन है? कटोरी डम्पटा। तो ये है इस सब के पीछे
सर, इस कटोरी ने अभी का इस्तेमाल किया वो हाईजैक के ड्रामे के लिए और हमें मजबूर किया बॉक्स चुराने के लिए। और अभी कोई मार दिया ताकि बाद में वो किसी को कुछ बता ना पाए। तो सर, चोरी का इल्जाम लगा आप लोगों पर और जैकपॉट लेके निकल गया ये कटोरी डमटा। अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया इसने हमारा, खुद के फायदे के लिए। और इस सारी फसद की जड़ तुम हो धनराज। सब ठीक है? जी सर। इसमें सर ऐसा बॉम्ब प्लान किया है कि सिर्फ ये उड़ेगा और इसके अंदर का सामान बिल्कुल नहीं। कोड नहीं तो क्या हुआ, बक्सा तो खुलेगा। उड़ाओ सर। तो पहुंच गए तुम सीआईडी की मदद से। अब इसका बाकी का हिस्सा और आगे का सफर भी मैं सीआईडी को इस्तेमाल करके ही पूरा करूंगा।